नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और इस चैनल का जो नाम है ए टू एवरीथिंग, आप लोग सभी को पता होगा। और कुछ लोग हैं जो हमारे इस चैनल को देखते हैं बहुत ही अच्छी तरह से, और मैं इसमें जो बताता हूँ सभी चीज़ों के बारे में, जैसे कई पार्ट्स हैं महिंद्रा सेंचुरो का, महिंद्रा का जो भी स्कूटी है या बाइक है, उन सभी के लिए लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो अब ये करना नहीं पड़ रहा है, जब तक महिंद्रा है हम लोगों के साथ, हम लोग इसी तरह से सर्विस देते रहेंगे और पार्ट देते रहेंगे, आप सभी के पास पहुंचता रहेगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। और आज का जो ये वीडियो है बेसिकली सिर्फ होंडा स्पेयर पार्ट के ऊपर मैं बात करूंगा। कुछ पार्ट्स के दाम जो है लोगों के हिसाब से ज़्यादा होता है, तो कुछ लोगों को लगता है मतलब वेरियंट्स के वेरियंट, जितने भी वेरियंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे होंडा एसपी साइन, आज हम बात करने वाले हैं होंडा एसपी साइन के बारे में। जो होंडा एसपी साइन के जो कुछ मॉडल हैं जिनमें डिस्क ब्रेक के बारे में आप लोगों को पता होगा, डिस्क पैड जो होता है, डिस्क पैड का काफ़ी दाम है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को लगता है गाड़ी के दाम, मतलब हिसाब से उस हिसाब से गाड़ी का दाम ज़्यादा है नहीं है वो मैटर नहीं करता, पर एक 125 सीसी की गाड़ी की जो कीमत है उसके हिसाब से अगर एक डिस्पैड का दाम देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे दाम मैंने ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो में मैंने बताया है, मैं इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ। जैसे छोटे पार्ट्स के ऊपर आप देख सकते हैं, जैसे डिस्पैड शू का प्राइस हो जाता है 1120 रुपया, ये काफ़ी ज़्यादा है। और स्कूटी का जो डिस्पैड है होंडा का, उसका दाम है 800 के अंदर में। या होंडा के जो एसपी साइन पहले वाले मॉडल है BS4, वो मॉडल का जो प्राइस कम है, तो चिंता ना करें। और इसी तरह से आप लोगों को हर पार्ट्स के बारे में जानकारी देते रहेंगे। कुछ लोगों को पता नहीं होता है तो वो सोचते हैं पता नहीं सर्विस करवाने से पहले हमें कितना पैसा रेडी रखना चाहिए इस काम के लिए या उस काम के लिए, जो भी काम आता है, तो सर्विस टाइम में ये हम लोगों को पहले जानना पड़ता है, तो सही से पता नहीं होता हम लोगों की कि पार्ट्स का दाम कितना है, कितना होना चाहिए। तो ये आप जान लीजिए कि हर पार्ट्स एक समान, हर गाड़ियों का एक जैसा नहीं होता, किसी का कम किसी का ज़्यादा। जैसे किसी कंपनी में गाड़ी में डिस्पैड का दाम लगभग 300 रुपये के आसपास है, 350 रुपये, और इसमें क्या है 350 नहीं, 500 नहीं, 400 नहीं, सीधे 800 के ऊपर जो भी डिस्पैड शू है सभी 800 के ऊपर है। और कुछ केबल्स वगैरह जो भी है मैं सभी के ऊपर अपडेट्स दूंगा। आज का जो बेसिक बात था जो डिस्पैड के ऊपर, जो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इतना ज़्यादा दाम क्यों है, इतना दाम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हम लोग कुछ नहीं करना है, जो कंपनी की तरफ से कुछ रीज़न है उसमें कुछ क्वालिटी होता है, सभी को देखते हुए उन लोगों ने अपना दाम सेट किए रहते हैं, तो आपको इतना पे करना पड़ेगा BS6 गाड़ी वालों के लिए, जो एसपी साइन होंडा एसपी साइन जो मॉडल है उनके लिए। तो इसी के साथ मैं आज वीडियो ख़त्म करता हूँ। और जिन लोगों ने वीडियो को अब तक मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सही तरीके का पार्ट्स कैसे मिलेगा, वो पार्ट्स जेन्युइन है या फेक है, मैं भी वो सारी बातों के ऊपर मैं बात करूंगा आप लोगों से। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।